तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे सब कुछ। तो मैं वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कैसे जी किया जाता है ये सब लिनक्स उबंटू वगैरह मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैं अपना वर्चुअल बॉक्स ये वाला खोल लेता हूँ। ठीक है, ओ ये उबंटू है, ये रेड हैट है, ये सेंट ओएस है। मैं उबंटू और रेड हैट दोनों का लुक एक बार दिखा देता हूँ इस वर्चुअल बॉक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया हूँ जी। ठीक है, और फिर यहाँ से ये चलना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है वर्चुअल बॉक्स के मशीन को आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना, बड़ा आसान काम है, नहीं होगा ये घूमने लगा आप, हो जाएगा बस 2 ही सेकंड में स्टार्ट। मेरा वर्चुअल बॉक्स जो है थोड़ा हैंग करेगा क्योंकि मेरे में रैम वैम कम है ना, इसलिए वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट कैसे करना है, चालू कैसे होगा ये बस दिखा दे रहा हूँ। प्रैक्टिस हम लोग बेस मशीन पे करेंगे। ठीक है, अरे यार कुछ जल्दी बोल, चालू हो जाए, इतना समय कहाँ है मेरे पास। सिस्टम थोड़े स्लो चल रहा है, इसको थोड़े देर के लिए बंद करता हूँ। रेड हैट में मैं सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देता हूँ जी। उबंटू तो ज़्यादा टाइम ले रहा है। स्विच चल भाई, फुल स्क्रीन में ही दिखा मेरे को, ये देख लीजिए, ये रेड हैट है, इतना पुराना वर्जन है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चलिए नो प्रॉब्लम, इस तरह से जो है रेड हैट स्टार्ट हो जाएगा। ये रेड हैट 5 है जो है आपने देखा। ठीक है, ये भी इतना टाइम लेगा क्या, ज्यादा। लॉजिकल इन वैल्यूम ग्रुप थोड़ी ही देर में चालू हो जाएगा मेरा रेड हैट। ये देख लीजिए, ये सब कॉन्फिगरिंग वगैरह कर रहा है। ठीक है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, यूजर नेम ये तो हम भूला गए, ट्राई करते हैं। semant.mishra, वाह ये तो खुल गया, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि खुल गया। तो ये रेड हैट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, मैंने फुल स्क्रीन में इसको कर दिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड करता हूँ। ठीक है, स्विच, तो ये कंप्यूटर है जी रेड हैट का। ठीक है, डबल क्लिक किया ये खुल के रेडी हो गया। ये फाइल सिस्टम है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये सब दिखने लगा, फाइल फोल्डर। ठीक है, ये रूट फोल्डर है, बिन फोल्डर में बाइनरी रहेगा, बूट में बूटिंग रहेगा, डिवाइस डेव फोल्डर में डिवाइस के रिलेटेड चीज़ होंगे। ठीक है, तो ये देखिए डबल क्लिक किया खुल गया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा टर्मिनल, तो ये रेड हैट का टर्मिनल है। DIR कमांड से जो है हम देखते थे ना डॉस में,
यहाँ पे dir भी काम कर दिया और ls कमांड से यहाँ पे हम लिस्ट देखते हैं। ये देखिए ls कर दिया तो ये दिखा दिया eixt exit कमांड से जो एग्जिट हो जाएंगे हम, ठीक है। क्लिक करा एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा एप्लीकेशन वगैरह जो है दिखाई देगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो इसमें कुछ कुछ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, यहाँ पे ये सब है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे जो है पासवर्ड डालूंगा मैं रूट का, फिर जा कर के ठीक है रीड पूरा। ये देखिए पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह है इसमें, लिस्ट वगैरह आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ जो है प्लेस है। सिस्टम में जाएंगे तो ये कुछ सिस्टम के रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन है, फॉन्ट है, कीबोर्ड है, माउस है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये सब है माउस के रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह है। बंद कर देता हूँ मैं। स्क्रीन लॉक वगैरह है, लॉग आउट है, शट डाउन है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें जो है इसमें है। सर्वर मैनेजमेंट आपको मैंने बताया था, सर्वर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका काम आता है, तो ये सर्वर्स वगैरह के रिलेटेड है, रूट है, ठीक है, ऑथेंटिकेट है। डेट टाइम का सेटिंग करना है तो आप कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट करेंगे फोल्डर वगैरह बन जाएगा, क्रिएट डॉक्यूमेंट लॉन्च, टर्मिनल पे क्लिक करूंगा तो ये टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। सिस्टम पे मैंने क्लिक करा, शट डाउन करूंगा तो ये शट डाउन हो जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड वगैरह में जाऊंगा तो ये देखिए बैकग्राउंड के रिलेटेड वॉलपेपर्स वगैरह ये देखिए आ गया, ठीक है। कलर वगैरह के रिलेटेड सॉलिड कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो है इसमें, ठीक है। यहाँ पे डेट टाइम वगैरह भी है, ठीक है। ये देखिए साउंड के लिए, वैल्यूम वगैरह के लिए है यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल पे जाके मैं कैल लिखूँगा ना तो यहाँ पे ये देखिए कैलेंडर खुल के रेडी हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं। तो ये रेड हैट को नाम मैं करता हूँ शट डाउन, ठीक है। मैं आपको यूबंटू पे सारा प्रैक्टिकल वगैरह जो भी है करके दिखाता हूँ, ठीक है। रेड हैट का तो इंटरफेस वगैरह लुक्स वगैरह आपने देख ही लिया जो है, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं, डायरेक्टरी वगैरह, एक्सेसरीज में ये सारे चीज़ें हैं, कैलकुलेटर हैं, करेक्टर में स्क्रीन शॉट यहाँ से ले लेंगे ऐसे, ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इंटरनेट में जाएंगे तो ये ब्राउज़र मिलेगा, फायरफॉक्स मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें जो भी चीज़ें, तो चलिए मैं इसको करता हूँ शट डाउन, ठीक है। शट डाउन पे क्लिक कर दूंगा, ये हो जाएगा बंद, ठीक है। क्या है कि वर्चुअल बॉक्स में मेरा सिस्टम हैंग वैंग करेगा जो है, तो मैं यूबंटू पे सारा आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस वगैरह करके, रेड हैट का है या फिर यूबंटू का है, इन सब का जो कमांड है लगभग सेम ही रहता है जो है, सेम रहते हैं पूरे, ठीक है। मैंने आपको बताया था रेड हैट क्या है, यूबंटू क्या है, या ब्लैक हैट लिनक्स क्या है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको इतिहास भूगोल इसका बता दिया था जो मैंने पहले। तो मैं यूबंटू जो है, जैसे मैंने रेड हैट को स्टार्ट किया वर्चुअल बॉक्स में, वैसे ही आप स्टार्ट कर लेंगे ब्लैक हैट, यूबंटू को भी इंस्टॉल कर स्टार्ट कर लेंगे, इसमें क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे। मैं अभी स्टार्ट कर रहा था लेकिन काफ़ी स्लो चल रहा था मेरा सिस्टम जो है, क्या कि रैम वैम 2 GB है ही तो कितना करें, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़े देर के लिए स्टॉप, और मैं अपना जो है यूबंटू ऑन करता हूँ। चलिए जी देखते हैं, क्या न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा तो फोल्डर का नाम पूछेगा, नाम बता दिया तो फोल्डर बनेगा, इसमें कौन सी नई बात है आप कहेंगे शायद ऐसे, तो हाँ जी नया बात तो नहीं है। फिर राइट क्लिक करेंगे, शो डेस्कटॉप इन फाइल करूंगा तो फाइल खुल जाएगा और डेस्कटॉप शो होने लगेगा, देख लो ये, ठीक है। तो यही है, ठीक है।
ओपन टर्मिनल करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट मेरा खुल जाएगा, ये टर्मिनल है अपना लिनक्स में कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो नया खुलेगा, ठीक है। इसी तरह से जो है खुल जा रहा है, ठीक है, ठीक ना। और इसी पे हम जो है काम करेंगे, इस पे आऊंगा मैं, जूम पे क्लिक करूंगा तो देखिए बड़ा हो रहा है, जूम होता जा रहा है, ठीक है। और इस पे मैं माइनस का साइन पे क्लिक करूंगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे न्यू विंडो करूंगा तो नया विंडो खुल जाएगा ये, ठीक है। और फिर इसी पे आके मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं हाफ स्क्रीन कैसे करूं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल लेफ्ट एन या कुछ दबो यार, एग्जिट में मार देता हूं तब तो खत्म होगा ना, ठीक है जी, चलिए ठीक है। रीड ओनली मोड में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रीड ओनली हो जाएगा। एडवांस में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे साइजेस वगैरह का है, ये देख लीजिए साइज वगैरह कम ज्यादा होगा, मैं इस पे कर दूंगा तो ऐसा साइज हो जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस में मैं जाऊंगा कि कलर बोल रहा है लाइट होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, लाइट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। विंडो टैब जैसा होगा कि कैसा होगा तो टैब बन जाएगा, मैं विंडो ही रहने देता हूँ। न्यू टैब लास्ट, ठीक है। शॉर्टकट्स में जाएंगे तो ये शॉर्टकट बटन है, ठीक है। कॉपी एज ए HTML, कॉपी पेस्ट सिलेक्शन जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारा शॉर्टकट बटन है टर्मिनल का, ठीक है। ये देख लीजिए टर्मिनल का जो भी शॉर्टकट बटन है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है जी, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इसको बंद, ठीक है। इसको भी बंद कर देता हूँ, राइट क्लिक करके फिर से टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है। ये आपका खुल के यहाँ पे रेडी हो गया है जी, ठीक है। अब आउट में जाएंगे तो यही दिख रहा है, ठीक है। अब हमें जो भी काम करना होगा हम टर्मिनल से यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिनक्स के कमांड का लिस्ट में बनाया था जो आपको मैं सोचा था कि बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया और विंडोज राइट एरो दबाया तो इधर फिक्स हो गया, इस पे आके राइट एरो दबाया तो इधर, फिर लेफ्ट एरो दबाया तो ये इधर फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको पूरा विंडो में कर दूंगा, ठीक है। कमांड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा GUI हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा सेक्शन है फेवरेट वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए पूरा सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये फ्रिक्वेंटली है, ये आल है, ठीक है। यहाँ पे आके जो भी चीजें मेरे को चाहिए, जैसे डिस्क चाहिए तो यहाँ पे क्लिक में कर दिया। फाइल मैनेजर में खोलना चाह रहा हूँ तो फाइल लिखा और इस पे आया और क्लिक मार दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप खोल सकते हैं कुछ भी चीजें, देख लीजिए। इस पे क्लिक करूंगा तो कैमरा खुलने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पीकर का है, ब्राइटनेस है, कम ज्यादा होगा मेरे को लेकिन दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। ये इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए है, ब्लूटूथ वगैरह मेरा ऑन ही है ब्लूटूथ। सेटिंग्स में चले जाएंगे, लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो पावर बंद वगैरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं सेटिंग्स में चला जाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी क्लिक करके सेटिंग्स वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। सीधा यहाँ पे आके लिखूंगा सेटिंग, ठीक है। सेटिंग आ गया, सेटिंग। अब इस पे डाउन एरो दबा के सिलेक्ट करके ऐसे कर दूंगा, एंटर, खुल जाएगा सेटिंग। नाइट मोड, ये देखिए डार्क, इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। इस पे मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, वाईफाई सेटिंग्स है। एरोप्लेन में मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पे एरोप्लेन मोड आ जाएगा और कुछ भी नेटवर्क नहीं चलेगा, इसीलिए ये बंद है, ये बंद ही रहने दीजिए, ठीक है। नेटवर्क वाले में आऊंगा तो क्या होगा, केबल्स वगैरह लगाए कि नहीं लगाए वो बता रहा है। उसके बाद वायरलेस कनेक्शन के लिए बताएगा ये, ठीक है। वायर्ड का ये बात कर रहा है अभी, ठीक है। ब्लूटूथ ये बोल रहा है कि ये ब्लूटूथ का नाम है, ये डिस्कनेक्टेड है, ये सर्च कर रहा है कि कोई ब्लूटूथ चालू तो नहीं है, मैं ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ जी, ठीक है। बैकग्राउंड मेरा अभी डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या है, ऐसा है जी। मैं राइट क्लिक जाता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया डिस्प्ले का सेटिंग,
ठीक है, डिस्प्ले सेटिंग में नहीं, मेरे को बैकग्राउंड में जाना था, चेंज बैकग्राउंड। तो अभी ये बैकग्राउंड है, मैं इसको इस पे सेलेक्ट कर लिया, इस वाले पे, तो बैकग्राउंड मेरा बदल गया। अभी ये देख लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर? इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है, बदल गया बैकग्राउंड, ये वाला क्लियर आ रहा है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट टाइम वगैरह आएगा, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, चेंज बैकग्राउंड पे जाऊंगा, ठीक है, जो बैकग्राउंड मेरे को चाहिए यहाँ से मैं ले लूंगा, ठीक है, ये ले लूंगा, यही रखता हूं मैं अभी, ठीक है। अपीयरेंस में जाएंगे तो ये बोल रहा है कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए इस तरह का, या स्टैंडर्ड होना चाहिए या डार्क होना चाहिए, ठीक है, मुझे ये स्टैंडर्ड पसंद है, ठीक है, यही रहने दूंगा। ऑटो हाइड डक, ये देखिए क्लिक किया तो ये अपने आप ऑटो हाइड हो जा रहा है, ठीक है। आपने विंडोज में टास्क बार को हाइड करा था ना, वही चीजें हैं ये, इसको बंद कर दूंगा तो देखिए आ गया, ठीक है, तो ये ऑटो हाइड वगैरह का ये फीचर है, ठीक है, यही ये देख लीजिए, ठीक है, आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट्स की बोर्ड्स आएगा, ठीक है, ये देखिए कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो क्विट होगा, कंट्रोल एस दबाएंगे तो सर्च होगा, ठीक है। सीधा मैं कंट्रोल एस दबाता हूं तो आ गया सर्चिंग के लिए। अब मैं यहां पे करूंगा डेस्कटॉप, अभी देखिए आ गया ना बैकग्राउंड वगैरह के रिलेटेड। तो यही चीज है जी, कितना बढ़िया टेक्निक है ना। डेट यहाँ पे सर्च किया तो डेट टाइम सेटिंग्स वगैरह के लिए आ गया, ठीक है। अपीयरेंस में मैं जाता हूँ, ये जो ऑटो हाइड हुआ है इसको कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, तो ये दिखने लगा इधर। ये बोल रहा है आइकन साइज, ठीक है, आइकन का साइज मैं यहाँ से बड़ा छोटा कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको मैं क्या 50 कर दूं, इतना रहने देता हूँ आइकन का साइज, ठीक है। इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए दिख हो गया, ठीक है, ऑल डिस्प्ले, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, हाल ही में रहने दे रहा हूं। इस पोजीशन ऑन स्क्रीन, आपने देखा था कि हम टास्क बार को विंडोज में कहीं भी ले जा सकते थे, तो ये भी नीचे आ गया मेरा, ठीक है। अब यहां से मैं क्लिक करके कुछ भी खोल लूंगा, इसको कर दूंगा राइट, तो यहाँ पे राइट साइड में फिट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लेफ्ट साइड ही पसंद है तो मैं यही छोड़ देता हूँ। नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आना चाहिए कि नहीं, लॉक स्क्रीन में देखिए यहाँ पे डोंट डिस्टर्ब, ये चालू नहीं है, इसको मैं चालू कर दिया था, बंद कर दिया, ठीक है। जिप का नोटिफिकेशन आना चाहिए, बैकअप का आना चाहिए, कलर वगैरह का, डेट टाइम का नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए जो है, ठीक है। तो ये सारा नोटिफिकेशन के रिलेटेड सेटिंग है, इसका कुछ भी नोटिफिकेशन हो तो दिखाना चाहिए ये सारा चीजें, ठीक है। सर्च पे मैं जाऊंगा तो क्या होगा, सर्चिंग वगैरह का यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह के लिए बोल रहा है। एप्लीकेशन में जाऊंगा तो ये सारा एप्लीकेशन यहाँ सामने आ जाएगा, इस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ये है, नोटिफिकेशन वगैरह का बता रहा है, ठीक है, और बाकी इसके रिलेटेड जो भी है यहाँ पे दिखाया गया, इन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट स्कैनर है, नोटिफिकेशन आना चाहिए कि नहीं, ये फाइल है तो फाइल में अदर फाइल्स का बात कर रहा है, फोल्डर अनसेट बता रहा है, ठीक है। एक्टिव आर्चिव फाइल कौन कौन सा है, तो जिप होगा, तार जेड होगा, एक्स जेड होगा, ठीक है, यही सब है। सर्चिंग ऑन है, सर्च होगा इसमें, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में ये बोल रहा है। फायरफॉक्स में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें डिफॉल्ट हैंडल जो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हैंडल किस चीज को करेगा, तो हाइपर टेक्स्ट फाइल को हैंडल करेगा, जिसमें कि एचटीएम हो जाएगा, एचटीएमएल हो जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को भी ये हैंडल करेगा। अब टेक्स्ट फाइल में किस किस को हैंडल करेगा, इनको करेगा, ठीक है। इमेज फाइल में किस किस को हैंडल करेगा, पीएनजी, जेपीईजी, जीआईएफ, इन सारे फाइल को हैंडल करेगा ये ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सेटिंग्स किया हुआ है, इसलिए जो है आपका जो है खुल के रेडी हो जाता है इन सारे ब्राउजर्स वगैरह में। जैसे एचटीएमएल है, एचटीएमएल का अगर फाइल है तो अपने आप कैसे मोजिला फायरफॉक्स में ओपन हो जाता है, कंप्यूटर को कैसे मालूम कि मोजिला फायरफॉक्स से ही खुलेगा, तो यहाँ पे जो है पूरा सेटिंग्स वगैरह किया गया है, ठीक है, कि एचटीएमएल का यह फाइल होगा, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट में फॉन्ट है, फॉन्ट का कुछ फाइल वगैरह है, ये सारा
फॉन्ट को जो है ये ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा। गूगल क्रोम है, इसके बारे में भी यहाँ लिखा है कि अदर में ये डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ को भी ये ओपन करेगा, ठीक है। इमेज में इतने सारे इमेज फाइल को ये हैंडल करेगा, ठीक है, डिफॉल्ट हैंडलर। इमेज व्यूअर है, ये इमेज एक टेक्स्ट फाइल में एसवीजी को ओपन करेगा, बाकी इमेज को ये फिल्टरिंग करेगा, कौन कौन सा इमेज को दिखाएगा, आइकन को दिखाएगा, बाकी पता नहीं क्या क्या, इतना सारा इमेज है ये, ठीक है, तो ये सारे इमेजेस को दिखाएगा। ये है लिब्रे ऑफिस में, ये एक्सेल है, ठीक है, ये वर्ड है, बाकी पावर पॉइंट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है लिब्रे ऑफिस का, जैसे आपका एमएस वर्ड है उसी की तरह से ऑफिस लिब्रे भी है, ये नहीं लिब्रे ऑफिस भी है, ठीक है, जो यूबंटू वगैरह में काम करता है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह स्क्रीनशॉट है, जो स्क्रीनशॉट खींचने में काम आता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन वगैरह थे और उसके काम थे, ठीक है। उसके बाद इधर गया एप्लीकेशन, ये है प्राइवेसी है, इसमें जाऊंगा मैं, ठीक है। लोकेशन सर्विस में क्या होगा कि ये लोकेशन वगैरह का बताएगा, ठीक है। फाइल एंड ट्रैक, फाइल का हिस्ट्री ऑन करना है तो ये ऑन है फाइल का हिस्ट्री, ठीक है। फिर कितने दिन का होना चाहिए, फॉर एवर, ठीक है। क्लियर हिस्ट्री में मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सारा जो हिस्ट्री को क्लियर कर देगा, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिकली डिलीट ट्रैक कंटेंट, मतलब क्या, अपने आप डिलीट हो जाना चाहिए जी, मैं बोल दिया हाँ तो ये अपने आप हो जाएगा, बोल दूंगा नहीं तो डिलीट नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली डिलीट टेम्पररी फाइल, मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये डिलीट कर देगा। लेकिन टाइम पीरियड कितना, तो ये 30 दिन है यहाँ पे, ठीक है, 30 दिन सिलेक्टेड है, 30 दिन के अंदर अपने आप सारा डिलीट कर देगा फाइल को, ठीक है। अब डिलीट टेम्पररी फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये टेम्पररी फाइल को डिलीट कर देगा जी, ठीक है। टेम्पररी फाइल में आपको विंडोज में बताया था, नहीं बताया था शायद, नहीं बताया था। टेम्पररी फाइल ऐसा फाइल होता है ना जो कि वो अपने आप टेम्परेरीली कुछ फाइल का जरूरत हो जाता है विंडोज को या लिनक्स को, तो थोड़े देर के लिए कुछ टेम्पररी फाइल बना के रखता है और फिर उसका काम खत्म हो जाता है, कोई वो नहीं होता, उसका जरूरत नहीं होता, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी फाइल बना के रख लेता है विंडोज, ठीक है। तो वो फाइल का जरूरत तो होता नहीं विंडोज को, फालतू स्पेस घेर के रखता है, कंप्यूटर को स्लो करता है, इसलिए टेम्पररी फाइल को डिलीट कर देना चाहिए। कैसे डिलीट होगा विंडोज में मैं आपको बता दूंगा, इसमें तो यहीं पे मैं क्लिक कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। एम्प्टी ट्रैश पे क्लिक कर दूंगा तो रिसाइकल बिन को खाली कर देगा, एम्प्टी ट्रैश पे मैं क्लिक कर दिया, रिसाइकल बिन खाली हो गया, ठीक है। स्क्रीन लॉक, ब्लैंक स्क्रीन डिले, 5 मिनट के अंदर ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। ऑटोमेटिक स्क्रीन लॉक, हाँ जी कर देगा। ऑटोमेटिक स्क्रीन लॉक डिले, तो स्क्रीन टर्न ऑफ होगा तो स्क्रीन लॉक अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ समय दिया गया है, मैं 1 मिनट कर दूंगा तो अपने आप स्क्रीन लॉक जो है इतने देर में स्क्रीन लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर है स्क्रीन लॉक एंड सस्पेंड, उसका वो ऑन होना चाहिए नहीं ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑन रखा हूं मैं, ठीक है। सो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, स्क्रीन जैसे आपका लॉक है उस समय पे स्क्रीन में नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो यही सब है, इसमें कुछ खास है नहीं जो है, बाकी तो आप लोग सब समझदार हो, ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। ऑनलाइन अकाउंट है गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, पता नहीं क्या क्या, उसका बात कर रहा है ये। फिर शेयरिंग का बात कर रहा है, शेयरिंग कैसे होगा, मीडिया का शेयरिंग वगैरह सारा ऑफ है, कंप्यूटर का नेम ये है, ठीक है। साउंड का बात कर रहा है, देखिए जो मैं यहां से कर रहा था ना कम ज्यादा, वो यहां से भी हो जा रहा है, देखिए कम ज्यादा। सिस्टम साउंड अभी कम है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये ज्यादा कम ज्यादा होगा। OBS स्टूडियो का साउंड लेवल है, ये फुल है पूरा साउंड, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ जो है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में बता रहा है कि ये स्पीकर है, टेस्ट करना चाह रहे हो जी, ठीक है, तो यहाँ से टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट फ्रंट का स्पीकर बजेगा, ये राइट का बजेगा, इस पर क्लिक करूंगा तो, ठीक है। ये बैलेंस है, ठीक है, ये बीच में रहेगा तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड का स्पीकर बैलेंस में बजेगा, लेफ्ट में ले जाऊंगा तो लेफ्ट वाला ज्यादा बजेगा और राइट में मैं अगर ले जाऊंगा तो राइट वाला ज्यादा बजेगा, लेफ्ट वाला उतना कम बजेगा, ठीक है। तो यही है इंटरनल माइक्रोफोन का बात करें, माइक लगा है उसका, अभी वॉल्यूम कितना लेना चाहिए तो मैं इसको आधा करके रखा था, ठीक है, इतना कर दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसको 50 इतने रहने देते हैं, ठीक है। फिर अलर्ट का साउंड बोल रहा है यहाँ पे,
ठीक है, इलर्ट है, डिफॉल्ट अलर्ट है, बाकी सारे ये अलर्ट है, ठीक है। साउंड यहाँ पे मैंने बहुत कम रखा है, ठीक है। ये देखिए साउंड्स वगैरह है पूरा जो है, ठीक है। मैं इसको नहीं रखना चाहता इतना ज्यादा, इसको मैं कम ही रखता हूँ, ठीक है। तो यही सब है साउंड्स वगैरह का। पावर, पावर में बता रहा है कितना परसेंट चार्ज है, ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करने के लिए। कीबोर्ड का ब्राइटनेस का बात कर रहा है अगर होगा तो, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं। डीम स्क्रीन व्हेन इनएक्टिव, इसका मतलब ये है ना कि जैसे आपने आपका स्क्रीन डीम हो जाना चाहिए, तो कितने देर के अंदर डीम होना चाहिए जी? तो जैसे ही इनएक्टिव हो गया, मैं नहीं चला रहा हूं, तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। कितने देर में जी? 5 मिनट में। तो ब्लैंक स्क्रीन जो है, ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, ब्लैंक पूरा। वाईफाई को ऑन करने के लिए बोल रहे थे, ऑन ही है वाईफाई, ब्लूटूथ ऑन ही है, तो यही ऑन कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है ब्लूटूथ कैन बी टर्न ऑफ टू सेव पावर, तो ब्लूटूथ ऑफ रहेगा तो पावर कम रहेगा, तो सब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जो है, ठीक। ऑटोमेटिकली शट डाउन सस्पेंड, कब से ये 20 मिनट के अंदर सस्पेंड कर दो जी? अगर बैटरी से ये चल रहा है तो, और अगर चार्जर लगा हुआ है तो उसके बारे में सस्पेंड करना ही नहीं है, ऑफ है, लेकिन फिर भी लगा है तो क्या कर दो, एक घंटे में बंद कर दो, मैं ऐसा बोल दिया इसको, ठीक है। बंद बोल रहा है, पावर बटन एक्शन क्या होना चाहिए? सस्पेंड, पावर ऑफ, नथिंग। तो ये पावर ऑफ में है, ये यहां का बटन का बात कर रहा है, ठीक है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पावर ऑफ पे, तो ये पॉपअप मेरे पास आ जाएगा पावर ऑफ करने के लिए, ठीक है, और थोड़ी ही देर में वो अपने आप पावर ऑफ कर देगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं? हाँ, कुछ समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं भाई? कुछ बोलोगे? नहीं बोल रहे पीछे, आप लोगों को कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? कुछ नहीं बोलना क्या? शपथ ले लिए, प्रतिज्ञा ले लिए, ऐसा आ रहा है तो अच्छी बात है जी, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है। सिंगल डिस्प्ले, मैं इसमें नहीं छेड़छाड़ करूंगा, मेरा बंद हो जाएगा खुद। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए। स्क्रीन उल्टा का बात कर रहा है ये, मैं क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। क्लिक कर दूंगा तो पता नहीं करूंगा भाई, मैं चला नहीं सकता फिर उसके बाद। ये रेजोल्यूशन का बात कर रहा है, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 100% रख भाई, ये होना चाहिए, ठीक है। माउस एंड टच पैड, राइट क्लिक को लेफ्ट और राइट का बदलने को मैं बताया था ना, जैसे माउस में जो राइट में बटन होता है उससे राइट क्लिक होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि लेफ्ट बटन से राइट क्लिक हो तो हो जाएगा, तो विंडोज में जो बताया था वो यहां पे ये है लिनक्स में, अब इस पे क्लिक किया तो ये बदल गया, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक जो है लेफ्ट बटन से करूंगा, ठीक है। ये देखिए तो यहां से बदल जाएगा राइट क्लिक बटन का लेफ्ट क्लिक। एक बोल रहा है टच पैड का नेचुरल स्क्रॉलिंग, ठीक है। टच पैड का स्पीड क्या होगा जी? इसको हाई कर दिया तो एक माउस कंट्रोल से बाहर हो गया है, ठीक है। एकदम बहुत फास्ट हाई काम कर रहा है एकदम पूरे, ये देख लीजिए, ठीक है, बहुत हाई काम कर रहा है अभी, ठीक है। चला मैं रहा हूं इसलिए मुझे पता चल रहा है कितना हाई है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है माउस अभी। इसी को मैं इधर कम कर दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए ये बहुत तब स्लो हो गया पूरा जो है, ठीक है। और यहां पे ले जाऊंगा तब तो इतना स्लो हो गया कि मैं कल्पना, ये देखिए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया जो है माउस। मैं इतना रहने देता हूं नॉर्मल जो है, या इतना रहने देता हूं, इतना से मैं अच्छा चला सकता हूं, नहीं जी ये भी ठीक है, इतना मैं रहने देता हूं। टैब टू क्लिक, टैप कर दिया कहीं तो क्लिक हो जाना चाहिए जी, ऑन है तो क्लिक हो जाएगा, ऑफ है तो क्लिक नहीं होगा, हाँ ठीक है। टू फिंगर स्क्रॉल, यहां पे चालू है, जैसे डबल फिंगर से क्लिक किया तो स्क्रॉल होने लगेगा अपने आप, उसके बारे में बोल रहा है। अब कुछ है नहीं मेरे पास स्क्रॉल करने के लिए, इसे नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं डबल फिंगर लगाऊंगा तो देखिए माइनस का आइकन बदल गया ना, तो इसे दोनों फिंगर्स को मैं नीचे लाऊंगा तो स्क्रॉल होगा अपने आप, ठीक है, यही इसका मतलब है जी। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सेटिंग्स का जो है शॉर्टकट डिसेबल है, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट कीबोर्ड वगैरह है, जैसे मान लीजिए कि मैं शॉर्टकट बटन दबाऊं तो सेटिंग खुल जाए, तो क्या दबाऊं मैं?
कंट्रोल नहीं ऑल्ट प्लस एस दबाऊं, ठीक, ऑल्ट एस से मेरा सेटिंग खुलना चाहिए, मैं सेट कर दिया, ठीक। अब क्या करूंगा, इसको कर दूंगा क्लोज। अब सीधा मेरे को सेटिंग खोलना है तो क्या करूंगा, ऑल्ट एस, ठीक, ऑल्ट एस मैं दबा दिया, अपने आप तुरंत खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मेन्यूज किसी भी कमांड वगैरह का यहां से बनाओगे। मैंने इसको बंद कर दिया तो सेटिंग डिसेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बटन वगैरह डिफाइन कर सकते हो, ये लिनक्स का फीचर है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे कमांड्स वगैरह हैं, सबके लिए आप चाहोगे तो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे साइन दूंगा तो यहाँ पे नाम डाल दो, यहाँ पे कमांड लिख दो और उसका सेट कर दो यहाँ पे शॉर्टकट बटन। जो कमांड इस लिस्ट में नहीं है उसका भी आप बना सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है जी। चलिए बाकी तो कुछ बचा नहीं है, प्रिंटर वगैरह का है, मेरे में प्रिंटर लगा नहीं है तो बोल नहीं रहा है प्रिंटर के लिए। ऐड प्रिंटर करेंगे या ड्राइवर चलाएंगे प्रिंटर का तो यहाँ पे शो करने लगेगा। रिमूवल डिस्क माने कोई पेन ड्राइव सीडी डीवीडी लगा है तो उसके बारे में पूछ रहा है। सीडी डीवीडी अगर लगेगा तो उसको हमेशा पूछना चाहिए, ठीक है। आस्क व्हाट टू डू, पूछो मुझसे कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर है तो रन कर दो सॉफ्टवेयर वगैरह से, यही मतलब है इसका, ठीक है। कलर वगैरह का बात कर रहा है। रीजन्स एंड लैंग्वेज, ये भाषा का बात कर रहा है। फॉर्मेट मैं कर देता हूँ जी, ये यही फॉर्मेट मुझे पसंद है तो यही फॉर्मेट मैंने रहने दिया है, ठीक है। इनपुट सोर्स वगैरह का बात कर रहा है, इंडियन होना चाहिए सब कुछ। लैंग्वेज अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक है। कौन सा इंग्लिश, यूके इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, कनाडा इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश, मैं अमेरिका वाला सेट किया हूँ इसलिए अमेरिका वाला है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो हाई कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, लेकिन ना ना भाई मत कर, ये बहुत बेकार दिखेगा हाई कॉन्ट्रास्ट में, मुझे मजा नहीं आएगा। तो ये सही है, ठीक है। लार्ज टेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट का जो साइज है वो देख लीजिए कि बड़ा हो गया जो है, ठीक है। कर्सर कौन सा डिफॉल्ट चाहिए, बड़ा छोटा, ये डिफॉल्ट वाला है, ये वाला ले लूं क्या, तो ये बड़ा बड़ा कर्सर हो गया। जूम कितना परसेंट जूम होना चाहिए उसके बारे में बता रहा है, मेरे लिए भी नफ है भाई, ठीक है। स्क्रीन रीडर का बात कर रहा है, ठीक है। ये ऑफ ही रहने तो क्या करेगा, ऑन होके साउंड कीज बटन दबाए तो साउंड आए, ठीक है। कैप लॉक वगैरह ऑन ऑफ करूंगा तो साउंड उसका आएगा जो है, अब यहां से इतना साउंड है तो कहां से कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बजाना चाहता जी कैप वैप लॉक करूं तो, इसलिए बंद कर दें इन सबको, ठीक है। विजुअल अलर्ट वगैरह का बात कराई, स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया मैं, ठीक है। तो स्क्रीन वगैरह का कीबोर्ड आएगा, रिपीट की ऑन तो रहने दो जी, ऑन मेरे को दिक्कत नहीं है। पेंटिंग क्या, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, तो माउस का क्लिकिंग इवेंट चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, मैं बाय डिफॉल्ट, चलो मैं सेटिंग वगैरह इसमें नहीं छेड़छाड़ कर रहा हूँ। डबल क्लिक का डिले पूछ रहा है, डबल क्लिक करें तो कितना डिले हो, मैं बाय डिफॉल्ट इसको रहने देता हूँ यहाँ से, आप लेकिन सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये यूजर वगैरह का है, यूजर अभी एक है, ठीक है। करंट पासवर्ड डालो, न्यू पासवर्ड डालो, कन्फर्म पासवर्ड डालो तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए कब कब मैं लॉगिन किया था उन सब का हिस्ट्री बता रहा है ये, ठीक है। अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा मैं अपना तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नया यूजर मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैं विंडोज में बताया था कुछ वैसा ही इसमें भी आएगा। स्टैंडर्ड यूजर का परमिशन लिमिटेड होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत ज्यादा परमिशन होगा, ठीक है। वही सब चीजें हैं, यहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह डाल लेगा वो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे अलाउ यूजर टू सेट पासवर्ड व्हेन देन नेक्स्ट लॉगिन, मैं अभी बना दिए रहूंगा इसका यूजर अकाउंट तो दोबारा जब लॉगिन करने लगेगा तो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेगा वो, ठीक है। सेट पासवर्ड नाउ पे क्लिक करूंगा तो तुरंत मैं सेट कर सकता हूँ पासवर्ड, ठीक है। यूजर वगैरह बन जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर स्टैंडर्ड यूजर कैसे होता है क्या होता है, विंडोज मैंने आपको बताया है कुछ वैसा ही है ये। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो नाम वगैरह मैं बदल दूंगा, ठीक है, पर मुझे जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट एप्लीकेशन है कुछ, ठीक है,
टेक्स्ट एडिटर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, मुझे वेबसाइट चलाने के लिए, ईमेल के लिए ये है, थंडर मेल पता नहीं क्या है, म्यूजिक सुनने के लिए ये है जी, ठीक है, और वीएलसी मीडिया प्लेयर वीडियो के लिए मेरे को पसंद है तो ये मैं डिफॉल्ट चॉइस कर लूंगा। इमेज व्यूअर के लिए यही सही है, फोटो ही रखता हूँ, फोटो के लिए ये सॉफ्टवेयर रखता हूँ। फिर डिफॉल्ट वगैरह डेट टाइम वगैरह का है, ये डेट टाइम है, ऑटोमेटिकली डेट टाइम एक्सेस कर लो, हाँ जी कर लो, क्या इतना टाइम तो हो नहीं रहा है जी, मेरा मोबाइल किधर है, इसको मालूम नहीं है कि अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी इंटरनेट इसको देता हूँ तब शायद इसको पता चल जाएगा कि टाइम कितना हो रहा है। कनेक्ट हो जा भाई, ऑन कर दिया हूँ मैं अपना हॉटस्पॉट। चल भाई कनेक्ट हो जा फटाक से, आ तो गया, अब तो डेट टाइम तो सही रख ले अपना, डेट तो सही है, टाइम ये गड़बड़ है जी, ऑटोमेटिकली सेट कर, आगे आपने आप टाइम कितना हो रहा है, 1:25 ही हो रहा है ना, आ गया जी 1:25, टाइम जो कोलकाता एशिया है, एम पी एम दिखाना चाहिए कि 24 आवर, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब आउट में जाएंगे तो क्या दिखाएगा जी, यही देख लो डिवाइस का नेम वगैरह, ठीक है, बाकी मेमोरी आपको मैं बताया था 2 GB मेरा रैम है तो यही दिख रहा है आपको, ठीक है। प्रोसेसर बता रहा है कि इसमें i3 का 4th जनरेशन है, जनरेशन ये 4th वाला है, ठीक है। ग्राफिक्स में ये बता रहा है हार्ड डिस्क का कैपेसिटी कितना है, तो इतना कैपेसिटी है 1.3 TB, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ये है Ubuntu, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप 64 बिट, बाकी बाकी यही सब है। अपडेट में मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा इसमें, ठीक है, ठीक है, खुल क्यों नहीं रहा है अपडेट वाला, भाड़ में जाए नहीं खुल रहा है तो, अच्छा लेट लगा रहा था खुलने में, सर्वर इंडिया के सर्वर से डाउनलोड हो जाना चाहिए, ये सब डाउनलोड करेगा, अपडेट वगैरह के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है, मुझे अपडेट वगैरह से जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो ये तो कुछ नॉर्मल सेटिंग था जो है, ठीक है, ठीक है, यही कुछ नॉर्मल सेटिंग्स वगैरह था, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा जो है, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप, टर्मिनल के बारे में तो बता नहीं भूल गया यार मैं, टर्मिनल का कुछ कमांड्स वगैरह देख लें क्या हम लोग, क्या कहते हो, कुछ कमांड्स वगैरह टर्मिनल का देख लें अभी, ठीक, नहीं देखें, नहीं देखें, देखें क्या कहते हो आप लोग, आज के लिए बहुत है, चलिए ठीक है, मैं एग्जिट करता हूं और इसको बंद करता हूं। कुछ कमांड्स हैं लिनक्स के, कुछ टर्मिनल के, ठीक है, जो कि मैं आपको सोचा था आज खत्म करने को, लेकिन अब बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं बताने वाला हूं आपको, सर्वर लेवल तक लिनक्स, ठीक है, बेसिक थोड़ा बहुत आपको आ जाए मैं उतना ही बता रहा हूं, ठीक है, कुछ यही कमांड्स वगैरह हैं, ठीक है, यही मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बाकी जब जैसा आपको जरूरत होगा आप पूछ लीजिएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक, चलिए जी बंद कर दो, कुछ पूछना किसी को भाई, तू बंद हो जा।